आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित करने को लेकर माथापच्ची कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लगातार बैठकें हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी पुराने सांसदों के खूब टिकट काटने वाली है। प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही अब तक 2 सिटिंग सांसदों ने राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर दिया है। पहले आज सुबह गौतम गंभीर ने राजनीतिक संन्यास का ऐलान किया और अब हजारीबाग से सांसद और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया। दरअसल झारखंड के हजारीबाग से लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा ने खुद लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सिन्हा ने कहा कि वो अब भारत में वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहते हैं। जयंत सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चुनावी दायित्वों से मुक्ति लेने की अपील की है ताकि मैं भारत और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयास पर ध्यान दे सकूं। जयंत सिन्हा ने कहा कि निश्चित तौर पर मैं आर्थिक और सुशासन के मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करता रहूंगा। मुझे पिछले 10 सालों में भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता रहा है। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेतृत्व की ओर से कई अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। जयंत सिन्हा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। यशवंत सिन्हा फिलहाल टीएमसी में हैं। जयंत 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। उन्हें पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री बनाया गया। जयंत सिन्हा 2016 से 2019 के बीच उड्डयन राज्य मंत्री भी रहे। जयंत सिन्हा को 2019 में एक बार फिर हजारीबाग सीट से टिकट दिया गया और वो पार्टी की उम्मीद पर खरे उतरे थे। हालांकि दूसरी बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।